ये स्क्रिप्ट है। फिल्म मेकर्स बनना चाहते हो ना तुम लोग? से समथिंग। बाय द एंड ऑफ द वीक आई नीड अ गुड फिकिंग स्टोरी, अदरवाइज अपने पेरेंट्स को बोल देना तुम इस साल ग्रेजुएट नहीं हो रहे हो, ठीक है? गेट आउट। भैया दो चाय। अबे इस एचओडी ने 3 महीने की मेहनत तुम्हारे मुंह पे मार दी, तो हम 1 हफ्ते में क्या ही कर लेंगे? लगता है यार इस साल हम ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। यार मेरे घर वाले तो मुझे मार ही देंगे, मेरे घर से निकाल देंगे। फाइनल सबमिशन क्या हुआ? स्टोरी ऑफ माय लाइफ, आज तक हमें कोई स्टोरी नहीं मिली। वैसे मेरे पास कोई स्टोरी तो नहीं है, पर एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें स्टोरी का एक आइडिया दे सकता है। सर आपका नाम सुकेन सिंह रुंठी है ना? हाँ सर, मैं विक्की रायचंद सर जी ने भेजा है। सर हम FTII से हैं और हमारी स्टोरी जो थी वो फाइनल सबमिशन से पहले रिजेक्ट हो गई सर। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर आपके दिल में जो गम छुपा है ना, वो हमारी मूवी की स्टोरी लिखने में मदद कर सकता है सर। स्टोरी? तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते। सर आप अपने बहुत अच्छे दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये तुम्हें किसने बताया? सर विक्की सर ने। बैठो। ये बात है 19 सितंबर 2013 की, जब मैं उससे पहली बार मिला था। मामा पहुंच गया मैं। हाँ हाँ खा लिया मैंने खाना। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी घूम के जा रहा हूँ, ठीक है? प्रकाश टिकेंद्र सुनुटी खटीमा, और तुम कहाँ से? मैं इब्राहिमपुर से। और भाई क्या पढ़ रहा है? अरे कुछ नहीं यार, ऐसी भक्ति। अरे यार जल्दी चलो यार, सीनियर बुला रहे, जल्दी चलो सर। यार मेरे यार सर में दर्द हो रहा है यार, बहुत थक गया हूँ यार, मैं नहीं आ पाऊंगा यार, मैं सोने जा रहा हूँ। चल यार तू देख ले अपना, मैं तो इन चक्करों पढ़ने जाता खाली, सीनियर के चक्करों में। चल ठीक है भाई। थर्ड बटन। नाम क्या तेरा? सर सर जल्दी बता। ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश क्या ज्यादा आराम सोच रहा है तुझे? मैं आगे दिखाता हूँ, चल यहाँ से। बाकी को नींद नहीं आ रही थी क्या? अबे तुझे ज्यादा नींद आती है बे? आप ये गलत कर रहे हैं सर, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। अबे गारंटी दे रही। 4,000? अरे कोटा वाला है बे तो। सर आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो रास्ता ना बताएगा बे इसको। अबे इसे तो अलग से रूम पे बुलाते हैं। हाँ सही कह रहे हो। चल चल।
हाँ भाई आ गए सब? किस किस का हो गया दिखाओ क्या किया तुमने? सर ये सर हमने ये किया सर 200A एंसर हॉल्ट फिर सर इसमें रन किया इसको? यस सर रन किया सर। बड़े होशियार लिखते हो। थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा? सर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश रैंक क्या थी तुम्हारी? सर 4246। अरे कोटे वाले हो क्या सर? बट सर उसमें कोटे वाले से सर क्या मतलब, हम तो सर कर रहे हैं सर। अरे मतलब मतलब कुछ नहीं, कम्पीट नहीं कर पाओगे तुम यहाँ? नहीं सर हम मेहनत करेंगे सर पूरे। ऐसे कैसे मेहनत करोगे, जो तुमसे बिना कैटेगरी वाले आए उन्होंने मेहनत नहीं की है क्या? सर हम बहुत मेहनत करेंगे सर। हम मुझसे जमा लड़ाओगे? निकलो यहाँ से। सर आप ऐसे बाहर जाओ। आई सेड गेट तुम ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार बस ऐसे मन नहीं लग रहा था ऐसे बैठ गया। यार मुझे बहुत बुरा लगा सर ने तुम्हारे लिए ऐसे बोला। वन तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझसे तो एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एक्सपेरिमेंट का सर ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ यार अपना बेस्ट दो और मुझे बताए तुम बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू यार। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सभ्या है। सभ्या नाइस नेम यार। थैंक यू। चलो अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो सर लो पास फिल्टर सर। जब तक पूछा ना जाए ना बोला मत करो। सर सॉरी सर। तुम्हें समझाया था ना पिछली बार लैब में, समझ नहीं आती तुम्हारे? सर आपने सर सॉल्व करने को कहा था सर, हमने कर दिया। जिस सीट पे बैठे हो ना तुम, इट्स फॉर डिजर्व वन नॉट फॉर रिजर्व, ठीक है? सर आप कोटा को सर क्यों पीछे? तुम पीछे जाओ सर। सॉरी। अरे पीछे जा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। और बाकी सब कर रहे हैं क्या? एचओडी सर आपने सुना है कॉलेज में ये क्या चल रहा है? रस्ताना सर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी कर रहे हैं। हाँ सुनने में तो मेरे भी आए हैं। अरे रस्ताना जी आइए बैठिए। रस्ताना जी सुनने में आ रहा है आप बच्चों के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, जो बच्चे बिना कोटे के आए उनके साथ पार्शियलिटी नहीं होगी क्या? रस्ताना जी कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल आपके बेटे का नहीं हुआ तो आप कोई पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं? देखिए आप पर्सनली मत जाइए, मुझे अपना काम करना आता है और मेरे काम में हस्तक्षेप करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। पिछले साल मेरे बेटे का भी एडमिशन नहीं हुआ था, पर इस साल उसने मेहनत की और इस साल उसका एडमिशन हो गया। देखिए मैडम जो बच्चा डिजर्विंग है वो यहाँ रहेगा और मुझे अपने कॉलेज की प्रतिष्ठा का ख्याल है और मुझे मेरा काम करने दीजिए। रस्ताना जी आप ये सही नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे अपना काम करने दीजिए। रस्ताना जी इस बारे में एक बार विचार कर लीजिएगा। देखिए विचार आप लोग करते होंगे, मैं काम करता हूँ। अरे फोन तो काफी जल्दी हो रहा है भाई। पेपर दिए अभी अरे भाई जल्दी करो पेपर के लिए देर हो रही है। हाय। अरे हेलो, पता मेरे 74% आए हैं और तुम्हारे कितने आए? फेल हो गया यार मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। पता नहीं रस्ताना सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यार इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, मुझे पता है तुम अच्छा करोगे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। Thank you.
रस्ताना सर। सर मैं इस बार भी फेल हो गया हूँ सर। हमने कुछ किया ही नहीं है, तुम कुछ करते नहीं हो तो फेल तो हो गई। सर मुझे उसके उसमें सर डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए सर, मैंने बहुत मेहनत की। तुम जैसे लोगों की वजह से इस कॉलेज की प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है। मैं तुम जैसे लोगों को इस कॉलेज में रहने नहीं दूंगा। नहीं सर मैं बहुत मेहनत, तुम लोग मेहनत की बात करते हो, तुम जैसे कोटे वाले को वैसे मेरे बेटे को सीट नहीं मिली थी। तुम्हारी तो मैं सुनूंगा ही नहीं, निकलो ऐसे निकलो। मैं उसके लिए करूंगा। सर नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आज हम लाचार महसूस कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारा कोई नहीं है। आज हमें पता चल गया कि इंसान की पहचान यहां किसी को नहीं है। इस कॉलेज में एक होनहार बच्चे को कोई पहचान नहीं सका, बस इसलिए क्योंकि वो रिजर्व्ड कोटे का था। हाँ प्रोफेसर अस्ताना को मेरे रूम पे भेजना फटाफट। खबर तो आपने भी सुन ली होगी, ये आपको भी पता है इसके पीछे किसका हाथ है और मुझे भी पता है। आपने जो करना था वो कर दिया, अब जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। मैं ओम प्रकाश की कॉपी बाहर चेक कराने के लिए भेज रहा हूँ, आप में कार्रवाई तो रिजल्ट आने के बाद ही होगी। बट सर मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, आप जा सकते हैं यहाँ से। These guys did it. It's not just a story.